हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आलू दम बिरयानी बनाएंगे। आलू दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन को गरम करेंगे और इसमें करीब 2 कप पानी डालेंगे। और इसको ढककर थोड़ी देर तक उबलने देंगे। करीब 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे खोलकर देख लेंगे और पानी में भी उबाल आ गया है। अब इसमें करीब 1.5 कप चावल डालेंगे, जिसे हमने पहले ही पानी से धोकर और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसमें 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा दो इलायची स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच घी डालकर मिला लेंगे। अब चावल को थोड़ा पकने देंगे, गैस को मीडियम ही रखेंगे। हमें चावल को पूरा नहीं पकाना है, इसे थोड़ा कम ही पकाएंगे। चावल हल्के पक गए हैं, अब गैस बंद करके इन्हें निकाल लेंगे। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें करीब 1 कप घी डालेंगे। आप घी की जगह कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब घी को गरम होने देंगे। हमने यहाँ 8 से 9 कच्चे आलू लिए हैं। हमने यहाँ छोटे साइज के आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज के आलू लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 4 भाग में काट सकते हैं। हमने पहले ही आलू को छीलकर पानी से धोकर और कपड़े से अच्छे से सुखा कर रख लिया है। ध्यान रहे, हम आलू को अच्छे से सुखा कर फिर ही फ्राई करेंगे। घी गरम हो गया है, अब आलू को फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब एक चाकू लेंगे और एक आलू में डालकर देखेंगे। देखिए, आसानी से अंदर चला गया है, इसका मतलब ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। अब हम 1 कप फूल गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। हमने इसे भी काट कर धोकर और कपड़े से अच्छे से सुखा कर रख लिया है।
अब इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये फूल गोभी ऑप्शनल है। इसको भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें भी निकाल लेंगे। अब प्याज को फ्राई करेंगे। हमने दो प्याज को पतला काट लिया है। अब इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज भी ऑप्शनल है। देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें भी प्लेट पर निकाल लेंगे। सारी चीजें फ्राई हो गई हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और जिस घी में हमने सारी चीजें फ्राई करी थी उसी में से थोड़ा सा घी बचा लेंगे। अब इसमें एक चम्मच जीरा, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची के दाने, 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक डालकर चला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डालेंगे। और प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनमें 2 से 3 कटे हुए टमाटर डालेंगे। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक हम दही मसाला बना लेते हैं। इसके लिए 1/4 कप दही लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर सभी को मिला लेंगे। दही मसाला बन गया है। अब हम 1/4 कप दूध लेंगे। दूध को रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। अब इसमें 6 से 7 केसर के रेशे डालकर मिला लेंगे। ये ऑप्शनल है। हम इसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे बिरयानी का कलर काफी अच्छा आता है। अब हम टमाटर को देख लेते हैं। टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि गरम में दही मसाला डालने से दही फट सकता है, इसलिए इसे ठंडा करने के बाद ही इसमें दही मसाला डालेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब इसमें दही मसाला डाल देंगे। अब गैस ऑन करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे।
दही मसाला डालने के बाद हमें इसे खूब अच्छे से मिलाते रहना है। अब इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। ये पक गया है और उबाल भी आ गया है। अब इसमें फ्राइड आलू डाल देंगे और फ्राइड फूलगोभी भी डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। इसमें उबाल आ गया है, अब गैस बंद कर देंगे। अब जो चावल उबाले थे उन्हें भी ले लेंगे। चावल में से तेज पत्ता निकाल देंगे। सारी चीजें बन गई हैं, अब सारी चीजों को असेंबल करेंगे। इसके लिए कुकर लेंगे और उसे गर्म करेंगे। सबसे पहले इसमें ग्रेवी डालेंगे। अभी सारी ग्रेवी नहीं डालेंगे, अभी आधी ग्रेवी ही डालेंगे। अब फ्राइड प्याज डालेंगे। अब इस पर आधे चावल डालेंगे। अब इसमें दोबारा से ग्रेवी डालेंगे। इस बार सारी ग्रेवी डाल देंगे। अब दोबारा प्याज डालेंगे। अब इस पर सारे चावल डाल देंगे। अब इस पर कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें केसर वाला दूध डालेंगे। कुकर को बंद कर देंगे और धीमी गैस पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें इसमें एक भी सीटी नहीं देनी है। 15 मिनट हो गई है, अब गैस बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। दस मिनट हो गई है, अब इसे खोलकर देख लेते हैं। इसे थोड़ा मिला लेंगे। आलू दम बिरयानी बन गई है, अब इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। आलू दम बिरयानी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।